हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं जी तेलुगु ड्रामा जूनियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जी तेलुगु के ऊपर आ रहे इस सुपर सिंगर के आज हम रजिस्ट्रेशंस और ऑडिशंस के बारे में भी बात करेंगे। ये एक नेक्स्ट सुपरस्टार 2021 जी तेलुगु ड्रामा जूनियर के बारे में है। वैसे हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे शोज के बारे में मिलेंगे, चाहे वो रेडीज हो या फिर आपका कोई इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज हो गया, आपका एज ऑफ स्पेस हो गया, बिग बॉस भी इस बार हो सकता है कॉमनस की एंट्री दे, डांसिंग शोज जितने भी हो गए, सिंगिंग शोज जितने भी हो गए, सबके रजिस्ट्रेशंस की डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से ये एक शो है जी तेलुगु के ऊपर आता है, काफ़ी कमाल का शो है ड्रामा जूनियर शो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये पॉपुलर शो जी तेलुगु के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और इसके जो रजिस्ट्रेशन है आपको हम बताएंगे कैसे आपको करने हैं। तो जो अपकमिंग शो है इसके लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आज ये वीडियो पूरी आखिरी तक देखना, हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉर्म निकला है वो भी फॉर्म फिलिंग कराना हम आपको बताएंगे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी कंटेस्टेंट इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो गाइस, जो ये अपकमिंग शो ड्रामा जूनियर हंटिंग नेक्स्ट सुपरस्टार के जो ऑडिशंस है, सबसे पहले एज ग्रुप आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 6 साल से 13 साल के बीच में है तो डेफिनेटली आप इस शो के लिए एलिजिबल है और आप इस शो के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपकी एज होनी चाहिए 6 साल से 13 साल के बीच में। और गाइस, इसके जो रजिस्ट्रेशंस है वो निकल चुके हैं, तो ये कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि आपके पास G5 ऑफिशियल वेबसाइट या तो ओपन कर लीजिए या फिर आप G5 ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। G5 ऐप आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। जो G5 ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसके ऊपर फॉर्म फिल करना बताऊंगा। आप फॉर्म को ऑफिशियली ऐप से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वेबसाइट से कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्म खुल चुका है और आप देख सकते हैं इधर पूरा लोगो और काफ़ी अच्छे से दिखा रखा है इन्होंने। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और आपको इधर पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है वो डालना है। और एक बात और याद रखना, नेम आपको जो आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी में जो नाम हुआ है, जिस हिसाब से पढ़ा हुआ वही नाम आपको डालना है। उसके बाद आपको मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेल है तो आप मेल, फीमेल है तो फीमेल, मतलब कि दोनों के लिए ये कंपटीशन है। और ये एक ड्रामिक शो है तो भाई आप अगर अच्छा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। अपना एज मेंशन करना है और एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया गाइस, देख सकते हैं जो एज क्राइटेरिया है इनके पास पूरा का पूरा है, कितना भी नंबर आप डाल सकते हो। ये पूरा का पूरा एज क्राइटेरिया है, आपको सिर्फ इधर जो भी है आपकी 18 प्लस है, 16 है, जो भी आप इधर डाल सकते हैं, बट मैंने आपको भी एज क्राइटेरिया बता ही दिया है। तो उसी एज क्राइटेरिया के अंदर आपको अपनी एज मेंशन कर लेनी है। जो आपकी सिटी है, नियरेस्ट सिटी आपको जरूर डालनी है, जो भी आपके आसपास पड़ती है वो सिटी आपको डालनी है और पॉपुलर होनी चाहिए। और जितने भी साउथ साइड के लोग हैं वो डेफिनेटली वही सिटीज़ को डालें तो ज़्यादा सही रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल आप अपनी पर्सनल डाल सकते हैं, अपने फादर की ईमेल डाल सकते हैं, किसी की भी डाल सकते हैं, बट आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है भाई, जो भी ईमेल आप इधर डालोगे उसको आपके पास होनी चाहिए, उसकी सारी अपडेट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको जब अपडेट करेंगे तो ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ईमेल आपके खुद के पास नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा ऑडिशन कैसे देना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन ही आपको सेंड करेंगे, वो आपको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ईमेल इधर वही रखना है जो आपका खुद का ईमेल हो या फिर ऐसा ईमेल जिससे आप कांटेक्ट में रह सके। तो आप जो भी इधर ईमेल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इधर बात करते हैं गाइस फोन नंबर, फोन नंबर बिल्कुल सही डालना है। आपको आगे का जो कोड होता है, जैसे कि इंडिया का जो कोड है +91, तो आपको +91 करके फिर अपना फोन नंबर डालना है। ये बात आपको कंपलसरी है, ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, +91, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। क्या होगा कि जो कॉल होगी वो आप अच्छे से अटेंड कर सकते,
सकते, प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर आपका जो कॉल है उनके पास जल्दी से लग जाएगा। क्योंकि गाइज अगर आप इधर अपना सही नंबर डालते हैं तभी वो आपके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास फोन नहीं है तो अपने फादर का, भाई का, मदर का, किसी का भी आप इधर नंबर डाल सकते हैं। नीचे गाइज तेलुगु की बात करें तो आप देख सकते हैं तेलुगु को आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप तेलुगु लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं तो सिंपल सी बात है आप इन तीनों पे टिक कर सकते हैं, और अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं जानते तेलुगु के तो आप नॉट एक्सेप्टेबल पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपके पास फिर इंग्लिश का भाई ऑप्शन आ गया। भाई इंग्लिश आप रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, बोलना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक करके छोड़ सकते हैं। हिंदी के भी आपके पास तीन ऑप्शन हैं और हिंदी में भी आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी आपका क्राइटेरिया उस हिसाब से आपको इधर डाल देना है। उसके बाद अदर लैंग्वेज, अगर आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन इधर देखने को मिलता है। तो गाइस काफ़ी सही है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है इस शो के लिए। तो आप कहने का मतलब तो ये है कि भाई अगर आपको तेलुगु नहीं आती जब भी आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आती है तब भी आप कर सकते हैं, हिंदी आती है तब भी, या फिर अदर लैंग्वेज आती है, अगर ये कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को लेकर तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका टैलेंट चेक कर रहे हैं, ना कि कोई भी लैंग्वेज आपके टैलेंट के आगे नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए ये सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद गाइस नीचे लिखा हुआ है क्या आपने कभी भी किसी भी रियलिटी शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो यस बोलिए, नहीं किया तो नो बोलिए। इसके अंदर आप कर सकते हैं, नो है तो नो के बाद आप देख सकते हैं शेयर योर अपलोड ऑडिशन वीडियोस। आपको क्या करना है इसके बाद, अब अपनी वीडियो बनानी है। आप देख सकते हैं यू मस्ट एदर अपलोड योर वीडियो एंड शेयर इट्स यूट्यूब लिंक्स एंड एलिजिबल। देखो अगर आपके पास यूट्यूब लिंक है तो आप जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं और उसके बाद जो लिंक है वो आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये आपको दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहे हैं, आप इधर से ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, फोन का कैमरा ऑन करना है और वीडियो शूट करनी है। वीडियो के अंदर आप अपने बारे में बताइए, अपना थोड़ा सा ड्रामेटिक जो पोज है वो दीजिए, कुछ भी बोलिए, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई वास्तव में आप इस शो के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से बोल के आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि वीडियो का जो साइज है 50 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और अगर आप 50 MB से ज़्यादा का वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए और उसके बाद जो यूट्यूब का लिंक है उसको कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन है, काफ़ी सही ऑप्शन मेरे को ये लगा भाई यूट्यूब वाला, क्योंकि यूट्यूब में क्या होगा कि आप कितने मिनट की वीडियो बना सकते हैं और कितनी भी अच्छी क्वालिटी, कितनी भी ज़्यादा MB की बनाकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, टर्म्स और कंडीशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। टर्म्स और कंडीशन पे आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको इस फॉर्म को सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सेंड कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाता है, और जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑफिशियल जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, जो भी आप रजिस्ट्रेशन में नंबर डालेंगे उसके ऊपर कॉल करेंगे, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। ऑडिशन जब प्रोसेस होगा वो भी आपको बताएंगे कि भाई कौन सी लोकेशन पे किस जगह आपको आना है। ये सारी जानकारी आपको इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने भी ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। नहीं तो आप G5 ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी गाइस इस तरह की वीडियोज मैं बनाता रहता हूं, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड हो, डांसिंग से रिलेटेड हो, अपने इंडिया से रिलेटेड हो, कहीं भी किसी भी जगह हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे आप इन शोज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये चैनल पसंद आया तो यार डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप कौन सी अपडेट देखना चाहते हैं। तो मिलता रहूंगा, बनाता रहूंगा इस तरह की अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।